हाय स्टूडेंट्स, जो टॉपिक आज हम दीक्षाल इंस्टीट्यूट में शुरू करने वाले हैं वो स्ट्रैटेजीज़ फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन से ही हमारा एपिकल्चर और फिशरीज़ है। सो स्टूडेंट्स, हम अबाउट द एनिमल हस्बेंड्री बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा अबाउट द एनिमल हस्बेंड्री ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जिसमें हमने डेयरी फार्म मैनेजमेंट पढ़ा है, पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट पढ़ा है। इसके साथ साथ हमने एनिमल ब्रीडिंग के बारे में भी पढ़ा था कि किस तरीके से डिफरेंट एनिमल्स की बात की जाए तो उन एनिमल्स को हम ब्रीड करवा रहे हैं क्या करने के लिए, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या बोल सकते हैं कि एक एक्स्ट्रा या फिर एक एक्सेसिव क्वांटिटी में आप जितना भी बेनिफिट्स आप किसी भी पर्टिकुलर एनिमल से ले सकते हैं, उस पार्ट के लिए जो एनिमल की ब्रीडिंग करवाई जा रही है वही हमारी क्या कहलाती थी, एनिमल ब्रीडिंग कहलाती थी। अब जब एनिमल ब्रीडिंग की बात करी तो हम एनिमल्स को फॉर द डिफरेंट पर्पस इस्तेमाल करते हैं। कौन कौन से डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, लाइक सबसे बेसिक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि आइदर वी आर वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, ह्यूमन की पॉपुलेशन फिर भी एनिमल्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, और जो ह्यूमन की पॉपुलेशन एनिमल्स पे डिपेंड करती है तो मिल्क की बात करें, मीट की बात करें, लैंड मैनेजमेंट की बात करें, आप फाइबर्स की बात करें लाइक सिल्क का, वूल्स का बनना है, और इसके अलावा भी कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो ये सब डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए हम डिफरेंट एनिमल्स को क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल करते हैं। और ये जो डिफरेंट एनिमल्स डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, यही पार्ट आपका एनिमल हस्बेंड्री कहलाता है, मतलब एनिमल्स की ब्रीडिंग फॉर देयर मैक्सिमम टू गेन या फिर टू गेट देयर मैक्सिमम बेनिफिट्स, यही हमारा एनिमल हस्बेंड्री था। एनिमल हस्बेंड्री में मैंने आप लोगों को बेसिकली सबसे पहले डेयरी फार्म मैनेजमेंट पढ़ाया था, जिसमें हम एनिमल्स को फॉर देयर डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक मिल्क और मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट्स के लिए जो एनिमल की ब्रीडिंग हम करवाते हैं वो पोल्ट्री फार्म सॉरी आपके डेयरी फार्म मैनेजमेंट में कैटल्स के थ्रू जो है करवाई जाती है, जिसमें हमने कई सारे एनिमल्स देखे हैं लाइक गोट्स की बात करी, काउस की बात करी, बफलोस की बात करी, हम बहुत सारी जगहों पर कैमल्स का भी मिल्क जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, तो मिल्क के लिए हम कैटल्स का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी अगर हम बात करें तो दूसरा हमने पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट पढ़ा था। पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट में हम बर्ड्स को, गीस को, टर्कीस को, डक्स को, ये सारे बर्ड्स हैं जिसमें चिक्स भी आते हैं, चिकन्स भी आते हैं, तो इनकी जो रियरिंग हम करवा रहे थे, ये रियरिंग आपके किस सिंपल हम बोल सकते हैं कि कैसे परफॉर्म की जा रही है, तो इसी पर्पस के थ्रू जो है वो परफॉर्म करवाई जाती है। अब नेक्स्ट बात करें आपकी पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट और हमारे डेयरी फार्म मैनेजमेंट के बाद, कैटल्स के बाद और पोल्ट्री फार्म्स के बाद हम जो नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं वो है हमारा एपिकल्चर या फिर बी कीपिंग। बहुत ही बेसिक सा पार्ट है, देख लेते हैं क्या है। हम बी कीपिंग बेसिकली इंसेक्ट को रखने वाला पार्ट है, और ये हमारा और क्या कौन सा कल्चर कहलाता है, एपिकल्चर कहलाता है। नाउ एपिकल्चर या फिर बी कीपिंग एक्चुअली है क्या, तो समझेंगे हमारे हनी बीज की रियरिंग क्या करने के लिए, हनी के लिए, बी वैक्स के लिए, मतलब हम बेसिकली कह सकते हैं रियरिंग ऑफ हनी बी फॉर ऑब्टेनिंग हनी के लिए और बी वैक्स के लिए,
जो हनी बीज की रियरिंग करवाई जा रही है, यही क्या कहलाता है हमारा, यही कहलाता है एपिकल्चर। या तो बी कीपिंग कहते हैं इसे, या फिर क्या कहते हैं, एपिकल्चर कहते हैं। एपिकल्चर क्या है? हनी बीज की रियरिंग। आप हनी बी को रियर करवा रहे हो किसके लिए? तो हम सिंपल क्या जवाब देते हैं, हनी को ऑप्टेन करने के लिए और बी वैक्स को ऑप्टेन करने के लिए। हनी एक बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिटिव फूड कंपोनेंट है और कई सारी मेडिसिनल पर्पसेस के लिए भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। क्लियर। अब बी कीपिंग की बात करें तो सबसे पहली चीज़ तो एक छोटा सा इंडस्ट्री है, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, जस्ट लाइक कैटल फार्मिंग एंड पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग कैटल से थोड़ा छोटा था, और अगर मैं बी कीपिंग की बात करूँ या फिर एपिकल्चर की बात करूँ तो ये बहुत ही स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है। यहाँ पर हनी बीज को रियर कराने के हमारे पास दो फायदे होते हैं। कौन कौन से दो फायदे होते हैं? सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो आप हनी बीज की रियरिंग करवा रहे हो, सबसे पहले चीज़ तो हमने बोली क्या, हनी के लिए और बी वैक्स के लिए, जो कि कई सारे बी वैक्स की बात करें तो कॉस्मेटिक्स वगैरह में कई ज़्यादा लेवल, मतलब सिरप्स में, कॉस्मेटिक्स में, पॉलिशेस में, या फिर हम बात करें यही जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें बी वैक्स का इस्तेमाल किया जाता है। हनी को हम मेडिसिनल पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंटली हमने क्या बोला कि पहली चीज़ तो वो पार्ट जिसमें हम हनीज को रियर करवा रहे हैं या हनी बी का प्रोडक्शन करवा रहे हैं, रियरिंग करवा रहे हैं हनी के लिए, और दूसरा फ़ायदा हमारा होता है कि जो इंसेक्ट है, इंसेक्ट पॉलिनेशन करवाने के लिए बहुत ज़्यादा माना, मतलब पॉलिनेशन जो है इंसेक्ट्स के थ्रू बहुत ज़्यादा होता है। क्लियर। मतलब कई सारे फील्ड्स में आपके इंसेक्ट जो हैं वो एक एजेंट ऑफ पॉलिनेशन का वर्क करते हैं। तो यहाँ पर हनी भी हमारे दो फायदे करती है, मतलब एक साइड स्केल इंडस्ट्री है, हम इसको मेजरली वर्क नहीं करवाते, एक साइड में वर्क करवाया जाता है हनी के कास्ट बनवा के, और हनी के कास्ट बनवा के वो फ्लावर जो कि इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेट होते हैं ऐसी फील्ड्स में फिट कर दिए जाते हैं, जिससे जो हनी भी है वो दो काम करेगी। पहले तो जब वो फ्लावर से नेक्टर लेने जाएगी तो नेक्टर लेने के टाइम पर वो हनी का प्रोडक्शन करती है, और हनी के प्रोडक्शन करने के साथ साथ जब वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर रोम करती है तो एक फ्लावर के पॉलन ग्रेन को दूसरे फ्लावर के पॉलन ग्रेन तक पहुंचाने का काम करती है। तो इससे हमारा फ़ायदा क्या होता है? इससे हमारा फ़ायदा होता है कि पहली चीज़ तो पॉलिनेशन एश्योर हो जाता है, एश्योरिटी बन जाती है कि हाँ भाई पॉलिनेशन जो है वो ईजिली हो जाएगा, और दूसरी हम बात करते हैं आपके किसकी, दूसरी हम बात करते हैं कि हनी का प्रोडक्शन तो हमें मिल ही रहा है। अब सिंपल, जब भी आपने हनी की बात करी या फिर हनी बीज की बात करी तो हनी बीज नॉर्मली कास्ट की बात करें हनी बी की, तो वो एक नेस्ट, वही हमारे ट्रीज पे हमने देखा होगा कॉम लाइक स्ट्रक्चर जो है वो कभी कभी हमें देखने को मिलता है, लाइक ये ट्री के नीचे कई सारे इस तरीके से जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये हनी को, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये स्ट्रक्चर्स हमें कई सारे ट्रीज पे जो हैं वो देखने को मिलते हैं, यही हमारे क्या कहलाते हैं, कास्ट ऑफ हनी बी कहलाते हैं। बेसिकली इनका नेस्ट होता है जो कि ट्री पे बनता है, ये ज़्यादातर कॉलोनियल होती हैं, सोशल होती हैं, पॉलीमॉर्फिक इंसेक्ट्स होती हैं। कॉलोनियल मतलब हमेशा कॉलोनीज में ही रहती हैं, सोशल होती हैं मतलब इंटरैक्ट शन जो है वो एक दूसरे से प्रॉपर होता है। इसके साथ साथ हम बात करें तो पॉलीमॉर्फिक इंसेक्ट है हनी भी जो है, ये सबसे ज़्यादा बेसिकली एक सोशल, सबसे ज़्यादा सोशल लाइफ डेवलप करती है, जैसे अभी अभी मैंने आपको बताया। इसके साथ हम बात करें हनी भी जो होते हैं वो टोटल 3 मेंबर्स आर देयर। कितने मेंबर्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं? 3 मेंबर्स हनी भी के हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, जिसमें हमें पार्ट क्या दिख रहा है, मतलब 3 टाइप्स के हनी भी जो कास्ट में हमें देखने को मिल रहे हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला होता है हमारा क्वीन, बहुत ज़्यादा सुना है इसके बारे में हमने। सेकंड होते हैं हमारे ड्रोन्स, एंड थर्ड आर योर वर्कर्स। सबसे पहली चीज क्वीन, एक सिंगल कोम में या एक सिंगल कास्ट की अगर मैं बात करूं, या फिर एक सिंपल जैसे हम बोलते हैं ना कि एक हनी बी के एक सिंगल नेस्ट की बात करें, तो ये जो नेस्ट में जो क्वीन होती है ये क्वीन एक ही होती है, और ये फर्टाइल फीमेल होती है जो कि एग्स देने का काम करती है।
क्वीन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है. सबसे पहली चीज़ तो सिंगल मेंबर होती है. फर्स्ट थिंग इज इट इज सिंगल मेंबर. सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज फर्टाइल मेंबर, क्योंकि आगे हम पढ़ने वाले हैं फर्टिलिटी से ही कनेक्शन. फर्टाइल मेंबर है और एग्स देने का काम यही करती है, मतलब इनकी पॉपुलेशन को बढ़ाने का काम हनी बी का जो मेंबर कर रहा है वो कौन सा मेंबर है, क्वीन ही है. सेकंड मैंने बात करा है यहाँ पर क्या, ड्रोन्स. ड्रोन्स आर द मेल विच मेट विद द क्वीन. ड्रोन वही मेंबर है जो कि क्वीन के साथ मेट करने का काम करता है, मतलब मेटिंग जो परफॉर्म की जा रही है वो ड्रोन्स के थ्रू ही परफॉर्म की जाती है. मेल मेंबर कह सकती हूँ मैं, ये मेट विद इसके बारे में हम आपका किसमें हमारे इनहेरिटेंस में पढ़ चुके हैं, जेनेटिक्स में पढ़ चुके हैं ड्रोन्स के बारे में, जिसके पास हमने बोला था कि भाई 32 फीमेल और 16 मेल. तो ये जो 32 और 16 वाला पार्ट है, इसमें से अगर 16 मियोटिक डिवीजन करके बनते थे और ये जो 16 बनता था, अगर ये इसके साथ फ्यूज़ करवाएगा तो ये एक फीमेल मेंबर ही बना देगा, लेकिन अगर ये किसी दूसरे के साथ फ्यूज़ नहीं करता है तो वो पार्थेनोजेनेसिस कहलाती थी. पार्थेनोजेनेसिस में 16 हाफ क्रोमोसोम का कौन बनता है, हमारा मेल मेंबर ही बनता है. तो जब एग डेवलप करके, सिंपल हम क्या कह सकते हैं कि जब एग डेवलप करके एक ही पार्ट को क्या करवा दे, मतलब राइप करवा के और एक ऑर्गन यंग एक नया ऑर्गेनिज्म बना दे, तो वो पार्थेनोजेनेसिस कहलाता था. ये हमने इनहेरिटेंस में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा था. तो ड्रोन्स क्या हैं आपके, ड्रोन्स आर द मेल विच मेट विद द क्वीन. देयर नंबर इन द कॉलोनी इज नॉट मच. और ये जो ड्रोन्स हैं ये हमेशा किसके थ्रू बनेगा, पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू ही बनेगा. मैंने बहुत ही क्लियर वर्ड्स में आपको बताया. इनहेरिटेंस में हमने एक छोटा सा चार्ट पढ़ा था जिसमें क्या क्या चीज़ थी. मैं दोबारा एक बार क्लियर आपको छोटा सा एक रिव्यू दे देती हूँ कि क्या चीज़ पढ़ा था हमने. इनहेरिटेंस में हमने देखा था कि जब भी आप फीमेल मेंबर की बात कर रहे हैं तो इस फीमेल मेंबर के पास होते हैं 36 क्रोमोसोम, मेल के पास होते हैं 16. पहला खासियत क्या है, ड्रोन्स आर नॉट इन मच क्वान्टिटी, नॉट इन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट नहीं होते हैं. 36 क्रोमोसोम्स की बात की, 36 मियोटिक डिवीजन शो करके क्या बनाता है, मियोटिक डिवीजन शो करके हम कह सकते हैं आपका 16 और 16 दो पार्ट्स बनते हैं. क्लियर, यहाँ पर डिवीजन मियोटिक नहीं होगा, क्योंकि अगर डिवीजन मियोटिक हुआ तो उस कंडीशन में आपका ये 8-8 क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि एक पॉसिबल कंडीशन नहीं है. तो ये माइटोसिस के थ्रू ही डिवाइड करता है और 16 सेल बना देता है. क्लियर, मतलब 16 सेल का एक सेल जो है वो बना देता है. अब अगर फीमेल के साथ ये कंबाइन कर जाता है तो 32 मिलके फीमेल का ही प्रोडक्शन हो जाएगा, सेम चीज़ इसके साथ होगी. लेकिन अगर इसका फ्यूजन इस ड्रोन के 16 के साथ नहीं होता है, ये क्वीन ले लीजिए एंड दिस इज योर ड्रोन, ओके, तो ये आपका 16 ही रहेगा. मेल से जब कुछ रिलीज नहीं हुआ तो ये 16 ही रहा, ये फिर से क्या बना, यहाँ पर बनी आपकी क्वीन, अगर 16 और 16 कंबाइन कर जाते हैं तो, और यहाँ पर 16 के साथ दूसरा कंबाइन नहीं किया तो ये आपका बनाएगा ड्रोन. और ये जो ड्रोन है ये किस प्रोसेस के थ्रू, ये दिस इज योर फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन को हम क्या कहते हैं, द फ्यूजन बिटवीन द मेल एंड द फीमेल गैमेटोफाइट. जब मेल और फीमेल गैमीट्स आपस में फ्यूज करते हैं तो मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूज करने पर हमारा क्या बनता है, सिंपल कह सकते हैं ड्रोन बनता है, सॉरी फर्टिलाइजेशन होता है और एक मेंबर बन जाता है. सिंपल
लेकिन जहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, जहाँ पर मेल और फीमेल गैमेट कम्बाइन, बस फीमेल फीमेल है, फीमेल राइप करके अपने आप क्या कर देगा, एक नया मेंबर बना देगा, तो उस कंडीशन में वो जो नया मेंबर है वो क्या ही बना, ड्रोन ही बना, क्योंकि क्रोमोसोम कंटेंट उसमें आधा ही हुआ, 16 ही रहा, क्लियर। लेकिन जब भी हम बात करते हैं प्रोसेस, तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस की, तो प्रोसेस इज obviously not the fertilization because male and female are not getting fused with each other. So ये process हमारा क्या कहलाया, ये process कहलाता है हमारा parthenogenesis. प्रोसेस क्या कहलाई, पार्थिनोजेनेसिस। ये पूरा का पूरा प्रोसेस हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो पहली चीज तो क्वीन के साथ ड्रोन कंबाइन करता है, ड्रोन मेल मेंबर है, मेट क्वीन के साथ करके और यंगर प्रोजेनी बनाता है, और इसके साथ साथ ही जो क्वीन है वही ड्रोन का फॉर्मेशन करती है, क्लियर। इसके बाद ड्रोन की खासियत हमने एक और क्या पढ़ी, ड्रोन का एक खासियत ये भी है कि ये जो मेंबर है ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हमारे सिंपल कह सकते हैं पॉपुलेशन में प्रेजेंट नहीं होते, मतलब इनकी पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है, क्लियर। थर्ड हमने बात करी किसकी, वर्कर्स की, वर्कर्स होती हैं स्टेराइल फीमेल एंड परफॉर्म वेरियस ड्यूटीज ऑफ द कॉलोनी, मतलब वर्कर एक तरीके का एक लेबर देने के लिए बना है क्योंकि इट इज स्टेराइल मेंबर। मैंने आपको यहां पर फर्टाइल मेंबर जब लिखा था तो बोला था कि फर्टिलिटी मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आगे हम इस चीज़ से कनेक्टेड कुछ चीज़ पढ़ने वाले हैं, क्योंकि भाई कोई भी एनिमल है तो हमारे दिमाग में एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ रहती है कि इफ़ द ऑर्गेनिज्म, मतलब कोई एनिमल की हम बात कर रहे हैं तो एक हायर ऑर्गेनिज्म ही हो गया एंड देर इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और वहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है या फिर रिप्रोडक्शन होता है, क्योंकि अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो लाइफ की कंटिन्यूटी सेट नहीं हो पाएगी। पर ये एक ऐसा एनिमल है, एक ऐसा मेंबर है हमारे पास, वही इंसेक्ट कैटेगरी में, जो कि क्या नहीं करता, फर्टाइल नहीं होता, मतलब जो बना बनने के बाद अपनी लाइफ को सर्वाइव करेगा और ख़त्म हो जाएगा, अपने अपनी जेनरेशंस को, अपनी प्रोजेनिस को ये बनाने के लिए केपेबल नहीं है। स्टेराइल होता है वर्कर, किसके, बी कीपिंग में, मतलब हनी की बात कर रहे हैं, स्टेराइल है एंड इट डू वेरियस एक्टिविटीज रेस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज। वेरियस एक्टिविटीज़ का क्या मतलब है यहाँ, वेरियस एक्टिविटीज़ का मतलब है आपका नेक्टर का कलेक्शन करना है, इसके साथ साथ हम बात करें जो हनी कास्ट बनाया हुआ है उसकी क्लीनिंग करना है, ये सारे के सारे काम जो है वो वर्कर के थ्रू करे जाते हैं। द क्वीन्स एंड द ड्रोन्स आर फेड बाय द वर्कर ऑल्सो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो फीडिंग करवाई जा रही है ड्रोन्स की और क्वीन की, ये भी वर्कर फीमेल के थ्रू, मतलब ये स्टेराइल फीमेल जो हमारे पास प्रेजेंट है, इन स्टेराइल फीमेल्स के थ्रू ही करवाई जाती है। इनका जो माउथ है वो थोड़ा सा च्यूइंग टाइप होता है और लैपिंग होता है, और इनकी बॉडी में जो नेक्टर बना, मतलब जो नेक्टर ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं बेसिकली, क्योंकि जितना भी फ्लावर से ये नेक्टर को लेने का काम करते हैं वो इन्हीं ग्लैंड्स के थ्रू हनी के अंदर कन्वर्ट करवाया जाता है, क्लियर। इसके साथ साथ हम बात करते हैं जो वर्कर बीज होती हैं, ये भी तीन तरीके की होती हैं, स्केवेंजर्स बीज हैं, नर्स बीज हैं, और इसके साथ साथ मैं बात करूँ तो स्काउट बीज हैं। ऑन द बेसिस ऑफ वर्क किस तरीके का काम कर रहे हैं, कैसा काम कर रहे हैं और कितनी एक्टिविटी, मतलब कौन कौन सा फंक्शन जो है वो यहाँ परफॉर्म करवाया जाएगा, वो इन्हीं के थ्रू जो है वो परफॉर्म करवाया जाता है। अब ये तो रही बात इनके मेंबर्स की, और जो रियरिंग की बात करें या फिर जो हनी बी की स्पीशीज़ की बात करें, तो हमारे इंडिया में मिलने वाली बहुत कॉमन एपिस इंडिका है, उसी के थ्रू हम ये सारा काम करवाते हैं, क्लियर। इसके साथ हनी की बात करें या फिर कलेक्शन, हनी से के कलेक्शन के बाद हम हनी की, पहले हनी की ही बात करते हैं। जो हनी है, हनी की क्वालिटी सबसे इम्पॉर्टेंटली डिपेंड करती है कि किस एरिया का हनी, एरिया मतलब कि किस फ्लावर से, मतलब यूजुअली मैं अगर बोलूँ कि हमारा जो हनी है वो, या फिर जो हनी बी का नेस्ट है वो अगर नीम के पेड़ पे लगा है तो उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होगी वो उसी से कनेक्टेड होगी, अगर एप्पल के ट्री पे लगा है तो उसकी जो न्यूट्रिशनल या फिर जो थोड़ा सा जो टेस्ट हम कह सकते हैं वो किसके जैसा होता है,
उसी फ्लावर या उसी प्लांट से कनेक्टेड होता है जिस जगह पे नेस्ट कॉमन है, क्योंकि भाई लॉजिकल सी चीज़ है, जिस जगह पे नेस्ट है उसी नेस्ट का जो फ्लावर है, मतलब जो हनी बी है वो उसी के फ्लावर से नेक्टर को लेने का काम करती है, तो इस वजह से जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी है या फिर जो न्यूट्रिशनल कंटेंट है वो ऑलमोस्ट किसके जैसा होता है, उसी फ्लावर के जैसा होता है जिस फ्लावर पर वो प्रेजेंट है। बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिटिव कंपोनेंट माना जा रहा है, माना जाता है बहुत ही पुराने ओल्ड टाइम से, एंशियंट टाइम से हम हनी का इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं। क्या चीज़ के लिए? मेडिसिनल पर्पसेस के लिए, कॉस्मेटिक्स के लिए, आप एक हेल्थ के लिए भी हम बात करते हैं तो हनी का हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्लियर। इसके साथ दूसरी बी वैक्स की बात करें तो बी वैक्स का भी शेविंग क्रीम्स हैं, फेस क्रीम्स हैं, ऑइंटमेंट्स हैं, प्लास्टर्स हैं, कार्बन पेपर्स हैं, पेंसिल्स हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज हैं, इन सब जगहों पर आप बी वैक्स का भी इस्तेमाल करते हैं, क्लियर। हनी बी का कलेक्शन कैसे करवाया जाता है, किस तरीके से हम हनी को कलेक्ट करते हैं, तो कई सारे मेथड्स हैं। जैसे हम एक सिंपल ट्रेडिशनल मेथड्स की बात करें तो ट्रेडिशनल मेथड्स में क्या किया जाता है, जो हनी का कोम है उस कोम को आप सिंपल उसके नीचे एक स्मोक, जैसे लाइक अगर छोटा कोम है तो हम सिंपल सिगरेट को स्मोक करके, सिगरेट को जलाकर, और उसका जो आप सिंपल कह सकते हैं कि जो उसका धुआं है उससे जो हनी बीज होती हैं वो सब उड़ जाती हैं, जो कोम है उसको तोड़ लिया जाता है, उसको कंप्रेस करके तोड़ के और फिल्टर करा के हम हनी को कलेक्ट कर लेते हैं, क्लियर। अब जो मेथड्स हैं उन मेथड्स में हम क्या करते हैं, भाई ये थोड़ी इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं क्योंकि कास्ट जो है हनी का, हनी बी का, वो भी टूट के उसमें गिर जाता है, तो उस कंडीशन में जो प्योरिटी है वो थोड़ी सी ख़राब हो जाती है। लेकिन अब जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं उसमें हम तेज़ आपके हनी जो पूरा का पूरा हनी कोम है उसको तेज़ स्पिन करवाते हैं, तो तेज़ स्पिन करवाने की वजह से उसके जो होल्स हैं उससे सारा का सारा जो आपका हनी है वो बाहर आ जाएगा और एक सेपरेट एरिया में क्या कर दिया जाता है, कलेक्ट कर दिया जाता है। तो जब भी हम बात करते हैं हनी के कलेक्शन की तो कलेक्शन कुछ इस तरीके से ही किया जाता है। और कई सारे हनी के, हनी बीस के हम एनिमीज़ की भी बात कर सकते हैं, तो कुछ इंसेक्ट इट्सेल्फ, मतलब इंसेक्ट की कैटेगरी ही इंसेक्ट को हार्म कर देती है, और सबसे ज़्यादा एनिमी की, सबसे बड़ा एनिमी तो ह्यूमन ही है हनी बीस का। क्यों? क्योंकि वो जो पूरा का पूरा हनी जो बनाया जा रहा है वो किसके थ्रू कंज्यूम कर लिया जाता है, ह्यूमंस के थ्रू ही कंज्यूम कर लिया जाता है, क्लियर। इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे रह गई, वो है आपका रॉयल जेली। रॉयल जेली क्या है? तो मैंने अभी भी आपको बताया था, वर्कर बीज जो हैं वो हमारे ड्रोन्स को, इसके साथ साथ हमारे क्वीन को फीड करने का काम करती हैं। तो ये जो फीडिंग होती है, ये फीडिंग बेसिकली आपका रॉयल जेली, जो कि एक स्पेशलाइज्ड ग्लैंड के थ्रू जो है वो बनाई जाती है, और यही रॉयल जेली के ऊपर आपकी जो क्वीन है और जो ड्रोन्स हैं वो फीड करते हैं, क्लियर। तो ये पूरा का पूरा पार्ट आपका किसका रहा, हनी बी का या फिर एपिकल्चर का। एपिकल्चर एक स्मॉल, मतलब बहुत बड़ी इंडस्ट्री नहीं बोलेंगे, बट हाँ एक इम्पॉर्टेंट पार्ट मेडिसिनल पर्पस के लिए भी, और सिंपल हम बात करें कॉस्मेटिक पर्पस के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो हमने अभी सबसे पहले मतलब अब तीन पार्ट जो हैं वो पढ़ लिए हैं, डेयरी फार्मिंग पढ़ ली, पोल्ट्री फार्मिंग पढ़ ली और एपिकल्चर पढ़ लिया। थर्ड पार्ट इज़ योर फिशरीज। फिशरीज की बात करें तो ये हमारा पिसीकल्चर भी कहलाता है। पिसीकल्चर क्या है भाई? तो वो बेसिकली मैं कह सकती हूँ जो फिश हैं एक्वेटिक होती हैं, और फिशेस का ही रियरिंग हमारा पिसीकल्चर कहलाता है।
फिशेज जो है एक्वेटिक है, कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स हैं और वर्टिब्रेट की कैटेगरी को बिलोंग करती हैं. और यही जो वर्टिब्रेट कैटेगरी को बिलोंग कर रही हैं, तो यहाँ पर हम बेसिकली टोटल फिशेज की बात करें तो हमें दो तरीके की फिशेज मिलती हैं. मतलब पिसी कल्चर की बात करें या फिशरीज की बात करें, तो ये जो पिसी कल्चर या फिर आप सिंपल फिशरीज की बात करते हैं, तो ये दो तरीके की, मतलब वही रियरिंग करवाना किसका, हमारे फिशेज का, पिसी कल्चर कहलाता है. अगेन ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, क्योंकि यहाँ पर हम दो काम कर रहे हैं. एक, जितना कैटल फार्मिंग किया, जितना पोल्ट्री फार्मिंग किया, इन सब में हमारा खुद का इन्वेस्टमेंट था. एनिमल्स का केयर करना पड़ता था, एनिमल्स को न्यूट्रिशन देना पड़ता था, हेल्थ केयर पर ध्यान देना पड़ता था, हाउस केयर पर ध्यान देना पड़ता था. लेकिन अगर आप पिसी कल्चर की बात करते हैं, तो पिसी कल्चर पहली चीज़, तो जितना भी हम कोस्टल एरियाज़ की बात करें, हमारे कंट्री में ही कोस्टल एरियाज़ की बात करें, तो इन कोस्टल एरियाज़ में जो फिश कल्चर है या जो पिसी कल्चर है, ये सिर्फ ट्रैपिंग के कॉस्ट को रखता है, बाकी पूरा का पूरा जो जो रियरिंग है वो नेचुरली होता है. मतलब हमें सिर्फ क्या करना है, मतलब इसमें कोई कल्चर नहीं करवाना, कोई न्यूट्रिशन नहीं देना, कोई फिशेस को अपने अकॉर्डिंग डेवलप नहीं करवाना, लेकिन जितना भी डेवलपमेंट है वो पूरा का पूरा नेचुरल है. और हमें सिर्फ यहाँ पर क्या काम करना होता है, फिशेस की ट्रैपिंग करनी होती है, क्लियर. लेकिन दूसरी जगह अगर मैं कोस्टल एरियाज से अलग हट के आपके प्लेन्स में आ जाती हूँ, तो यहाँ पर रिवर्स की बात करें, पॉन्ड्स की बात करें या फिर लेक्स की बात करें, तो इतना ज़्यादा क्वांटिटी में फ़िश का कल्चर नेचुरली नहीं हो पाता जितना ओशंस में हो पाता है. तो उसी चीज़ के लिए हमने यहाँ पर आर्टिफिशियल रियरिंग करना शुरू कर दी, जो कि पॉन्ड्स में और लेक्स में देखने को मिलती है. तो हमारे पास अगेन जो पिसी कल्चर है या ये जो फिशरीज है, ये कितना पार्ट्स बनाता है, ये बनाता है आपका दो पार्ट्स. सबसे पहली चीज़ मैं बात करूँ किसकी, सबसे पहली मैं बात कर सकती हूँ एक तो इनलैंड फिशरी की, और दूसरी मैं बात करती हूँ आपकी मरीन फिशरी की. इनलैंड फिशरी वो फिशरी सिस्टम है या वो कल्चर है जिसमें हम मेंबर्स को अपने अकॉर्डिंग ब्रीड करवाते हैं, डेवलप करवाते हैं, कल्चर करवाते हैं, ग्रो करवाते हैं, और उसके बाद निकाल कर सेल आउट करते हैं. मरीन फिशरी की बात करें तो इट ओनली इंक्लूड्स द ट्रैपिंग ऑफ द फिशेस. लार्जर फिशेज, स्मॉलर फिशेज ओशन से कैप्चर की जाती हैं, जितना इस्तेमाल जो जो एडेबल होता है उसको हम सेल आउट करते हैं, और बाकी जितना भी बचा हुआ होता है उसका फिर फर्टिलाइज़र या फिर मैन्योर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. अब इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है फिश की, सबसे पहले जैसे आप जब कैटल फार्मिंग की बात कर रहे थे, आप पोल्ट्री फार्मिंग की बात कर रहे थे, आप एपिकल्चर की बात कर रहे थे, तो यू आर हैविंग द इम्पोर्टेंस, आपके पास एक इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस था. कैसा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस था, कि भाई जब भी आप किसी भी पर्टिकुलर एनिमल की बात करते हैं, तो ये जो एनिमल है, ये एनिमल हमारा क्या कर रहा है, सबसे पहली चीज़ मैं बोलूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, तो ये एनिमल किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है. लाइक कैटल फार्मिंग के लिए हम एक तो दो मेंबर्स थे देखते थे, एक तो माइल्ज कैटेगरी और एक ड्रॉट कैटेगरी. माइल्ज कैटेगरी मिल्क प्रोड्यूसिंग कैटेगरीज थी, और दूसरा ड्रॉट कैटेगरीज हम लेबर के लिए इस्तेमाल करते थे. पोल्ट्री फार्मिंग की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या थी, जो हमारी एग लेयर्स थी वो अंडे देने का काम करती थी, जिसको हम एग से एक नया मेंबर भी बनाने का काम करते थे, और एग को डायरेक्ट कंज्यूम करने का भी काम करते थे. और मैं ब्रॉयलर्स की बात करूं, आपके पोल्ट्री फार्म का ही दूसरा मेंबर है ब्रॉयलर, एक तो एग लेयर और दूसरा ब्रॉयलर मेल मेंबर, इसको हम मीट के लिए इस्तेमाल करते थे. एपिकल्चर में हनी का इस्तेमाल किया जा रहा है, हाँ एज अ फूड तो हम इस्तेमाल नहीं कर रहे कि एक बेसिक रिक्वायरमेंट है फूड की और उसके बिना काम नहीं चल सकता, लेकिन एक फूड जो है वो मेंटेन यहाँ पर हो रहा था. सिमिलरली इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस जब हम फिशेस की बोलते हैं, तो पहली चीज़ तो फिशेस को हम फूड की तरह भी इस्तेमाल करते हैं. जो फिशेस का एक सिंपल हम कह सकते हैं कि जो फिश का फ्लैश होता है, ये एक बहुत ही रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन माना जाता है. रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, फैट, ये सारी की सारी चीज़ें हमें फिशेस के अंदर मिलती हैं. रिच सोर्स के साथ साथ चीप सोर्स ऑफ प्रोटीन भी बोला जाता है. चीप सोर्स क्यों बोला जाता है, और फैट की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, और मिनरल्स जो हैं वो बहुत क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं. विटामिन ए और डी भी बहुत बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव क्वांटिटी में हमारे फिश फ्लैश के अंदर जो है वो मिलते हैं. इसके साथ साथ बात करें तो ईजिली डाइजेस्टिव होता है हमारे फिश का फ्लैश, और
सिंपल हम कह सकते हैं कि चीप सोर्स क्यों था. चीप सोर्स इसलिए था क्योंकि जब भी आप कोस्टल एरियाज की बात कर रहे हो या जिस जगह पे मरीन फिशरीज जो है वो हमें इजीली अवेलेबल है तो बहुत ही चीप प्राइसेस में हमें ये इजीली अवेलेबल हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर सोर्सेज. लाइक चिकन की बात करें या फिर हम मटन की बात करें तो इसका जो सोर्स होता है इसका जो हम सिंपल क्या बोल सकते हैं कि जो कॉस्ट है वो हाई है एज़ कम्पेयर टू द फिशेज. लेकिन शर्त यह है कि आपका जो मेंबर मरीन फिशरी है तो उस कंडीशन में मैंने आपको क्या क्या कंडीशंस बताई. जो फिश का फ्लैश होता है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सेलेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन है, चीप सोर्स है. इसके साथ साथ विटामिन ए और डी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, फैट की क्वांटिटी बहुत कम होती है और लास्ट फिफ्थ पॉइंट अगर मैं बोलूँ तो ईजिली डाइजेस्टेबल भी होता है हमारा फिश का फ्लैश. क्लियर. इसके साथ हम बात करें जो फिशेस हैं इसको हम डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं. सबसे पहला मैंने क्या बोला, फिश एज अ फूड. ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है. फिश को सबसे पहली चीज तो हम एज अ फूड इस्तेमाल कर रहे हैं, फूड की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं. क्लियर. दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म मैंने आपको क्या बोला, फिश इज फॉर कंट्रोलिंग द डिजीज. दीज आर यूज्ड टू कंट्रोल द एग्जाम्पल है कोई सी फिश तो हम कई जगह पढ़ चुके हैं. गैम्बूशिया फिश जो है हमारी ये एक सिंपल कह सकते हैं एक पेस्ट कंट्रोल की तरह भी एक्ट करती है. कैसे, हमने पढ़ा है कि बहुत सारी जगहों पे जहाँ पर आपके जो मस्कीटोज़ हैं ये मस्कीटोज़ जो वाटर बॉडीज़ होती हैं इसके अंदर अपने एग को ले कर देते हैं. जैसे हम तालाबों के अंदर कई सारी चीज़ों का कल्चर भी करवाते हैं तो वो जो पॉन्ड्स हैं वो जो तालाब हैं उसमें जो हमारे इंसेक्ट्स होते हैं वो अपने जो एग्स हैं वो ले कर जाते हैं, लार्वा बनते हैं और कई ज़्यादा क्वान्टिटी में जो मच्छर हैं जो मस्कीटोज़ हैं वो ग्रो कर जाते हैं एंड दे आर द सोर्स फॉर द बेसिकली मलेरिया. मलेरिया का सोर्स है, एक जगह से दूसरी जगह पर ईजिली क्या करवा देते हैं, मलेरिया को स्प्रेड करवा देते हैं. तो यही जो मलेरिया को स्प्रेड करवा रहे हैं तो इस मलेरिया के स्प्रेड होने की वजह से कई सारी डिजीजेस जो हैं वो जनरेट, मतलब वही मलेरिया जो है वो अलग अलग जगह पे जनरेट हो जाएगा. तो उस कंडीशन में अगर मैं मस्कीटो के नंबर को कम कर दूं तो मलेरिया के स्प्रेड होने के चांसेस जो हैं वो कम हो जाएंगे. तो वो कैसे कम हो सकते हैं, तो ये जो गैम्बूशिया फिश है ये गैम्बूशिया फिश आपके मस्कीटो के लार्वा पे फीड करती है. तो जिस जगह पे पानी आपका हम क्या बोलें कि जहाँ पर तालाब है, जैसे हम पॉन्ड्स की बात करें जहाँ वाटर कलेक्टेड है और मस्कीटोज जो हैं वो अपने एग्स जो हैं वो वहाँ दे के चले जाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ जो हम गैम्बूशिया फिश को इंट्रोड्यूस करवा के क्या कर सकते हैं, जितने भी लार्वाज हैं उन लार्वा पर फीड करवा के उनको ख़त्म करवा सकते हैं. क्लियर. तो हम फिशेस को एक कंट्रोल डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं. क्लियर. थर्ड अगर मैं बात करूं तो साइंटिफिक वैल्यू भी है. कुछ जूलॉजिकल इंपॉर्टेंस की बात करें तो फिशेस की बहुत सारी जगहों पर हम देखते हैं. फिर मैं बात करूं आपका फिशेस के जो बाई प्रोडक्ट्स हैं, इन बाई प्रोडक्ट्स का भी कई जगह पर इस्तेमाल होता है. पहली चीज़ तो फिशेस के जो ऑयल्स हैं ये हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं और बाकी का बचा हुआ जितना बाई प्रोडक्ट है, मतलब वो प्रोडक्ट जो कि अब हमारे किसी भी इस्तेमाल का नहीं है, तो वो प्रोडक्ट जो अब हमारे इस्तेमाल का नहीं है उस प्रोडक्ट को हम मैन्योर बनाने के लिए भी काम में लेते हैं. ये मैंने जब आपको एनिमल हस्बेंड्री का इंट्रोडक्शन दिया था तब समझाया था कि जब फिशेस को कलेक्ट किया जा रहा, मतलब जब फिशेस को ट्रैक किया जा रहा है मरीन फिशरी में तो उस कंडीशन में उन जगहों पे, अब लॉजिकल सी चीज़ है भाई, हमारा इंटरेस्ट ऑफ फिश तो ज़रूरी नहीं है कि आए ऐसा फिश भी उसके अंदर होगा या ऐसा एनिमल भी उसमें होगा जो हमारे किसी इस्तेमाल का नहीं है. तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उस सारे के सारे प्रोडक्ट को लेके मैन्योर बनाने का काम करते हैं. और ये जो मैन्योर होता है ये काफ़ी ज़्यादा रिच होता है,
न्यूट्रिशनल वैल्यू में तो हमारे क्रॉप्स को बहुत अच्छे से क्या करवा पाता है, इजीली ग्रो करवा पाता है। तो अगर मैं बात करूँ फिश के जो बाई प्रोडक्ट हैं, जैसे कि फिश का ऑयल है, फिश का मैन्योर है, फिश ग्लू है, इजन ग्लासेस हैं, शाकरीन है, लेदर है, आर्टिफिशियल पर्ल्स हैं, ये सब भी आपके बाई प्रोडक्ट्स में जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बोले तो नेक्स्ट पॉइंट हम कह सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, क्योंकि सिंपल एम्प्लॉयमेंट हर जगह है। लाइक अब कैटल फार्मिंग की बात कर रहे थे तो एम्प्लॉयमेंट बहुत अच्छा मिल रहा था, पोल्ट्री फार्मिंग में एम्प्लॉयमेंट था, फिश पिसीकल्चर में भी एम्प्लॉयमेंट, मतलब जो फिशेज इंडस्ट्रीज हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करवा सकते हैं, वही डेवलपमेंट करवाना, ट्रैपिंग करना, सेलिंग करना, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बनाता है। क्लियर, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है, सोर्स ऑफ इनकम भी बनेगा। क्लियर, तो ये पूरा का पूरा पार्ट आपका क्या है, फिशरीज है। इसमें हमने दो तरीके की फिशरीज पढ़ी, एक तो इनलैंड फिशरी और दूसरा है हमारा मरीन फिशरीज। इनलैंड फिशरीज की बात करते हैं तो वो फिशेज जो कि आपके सिंपल पॉन्ड्स में, तालाबों में आपके इंटरेस्ट से डेवलप करवाई जा रही हैं, तो वो जो आपके इंटरेस्ट से डेवलप करवाई हुई फिशेज हैं वो आपका क्या बनाती हैं, मतलब वही फिशेज फिशरी आपकी क्या कहलाती है, इनलैंड फिशरी कहलाती है। मतलब बेसिकली डील्स विद द फिशरी एस्पेक्ट ऑफ द वाटर अदर देन द मरीन वाटर, मतलब खारे पानी को छोड़ के, सॉल्टी वाटर को छोड़ के, ओशंस के पानी को छोड़ के, जितनी ज़्यादा कल्चर आप अपार्ट फ्रॉम द मरीन करवा रहे हैं वो पूरी की पूरी इनलैंड फिशरीज कहलाती है। क्लियर, इसमें आप ब्रीडिंग करवाते हैं बेसिकली, और यही जो ब्रीडिंग है ये अपनी इंटरेस्ट ऑफ फिश को ब्रीड करवा के इस्तेमाल की जाती है। क्लियर, इसके साथ साथ हम और क्या बोलते हैं कि जो ब्रीडिंग अब आप करवा रहे हो, ये ब्रीडिंग भी कितने तरीके की होती है, तीन तरीके की होती है। सबसे पहली अगर मैं बोलूँ तो नेचुरल ब्रीडिंग, जो कि नेचुरली हो रही है, जिसमें हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। इंड्यूस्ड ब्रीडिंग वो ब्रीडिंग हो गई जिसमें आप एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर को अपने सिंपल हम क्या कह सकते हैं वही कि खुद से डेवलप करवाने का काम कर रहे हैं। तो मैं क्या बोल रही हूँ, बेसिकली इन आर्टिफिशियल मेथड ऑफ फर्टिलाइजेशन ओवा फ्रॉम द फीमेल्स एंड द स्पर्म फ्रॉम द मेल्स आर टेकन आउट बाय आर्टिफिशियल मैकेनिकल प्रोसेस एंड द एग्स आर गॉट फर्टिलाइज बाय द स्पर्म्स। डिफरेंट मेथड्स हैं यहाँ पर इंड्यूस्ड ब्रीडिंग के लिए, जिसमें हम FSH और LH वही आपके हॉर्मोन्स का इस्तेमाल करके और क्या करते हैं, ओवर्स का प्रोडक्शन, स्पर्म्स का प्रोडक्शन करवा देते हैं। तो इंड्यूस्ड ब्रीडिंग या फिर आर्टिफिशियल ब्रीडिंग में एक्सटर्नली फ्यूजन करवा के, साइगॉट बनवा के, और उसके बाद आपकी फिश का कल्चर जो है वो करवाते हैं। नेचुरल ब्रीडिंग में सिंपल जिस तरीके से ब्रीडिंग होती है वही प्रोसेस चलेगा, लेकिन आर्टिफिशियल या फिर इंड्यूस्ड ब्रीडिंग की जब आपने बात करी तो इंड्यूस्ड ब्रीडिंग में व्हाट यू हैव बेसिकली डू, कलेक्ट ओवास फ्रॉम द फीमेल्स एंड स्पम्प्स फ्रॉम द मेल्स एंड मेक द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म द जाइगॉट। और जब जाइगॉट से एक सिंपल जो जाइगॉट बन गया उसको डेवलप करवा के एक नई कल्चर को हम मतलब जो प्रोडक्ट है उसको इंक्रीज करवा देते हैं। क्लियर, थर्ड अगर मैं बात करूँ तो थर्ड हमारे पास है कंपोजिट फिश कल्चर। ये जो कंपोजिट फिश कल्चर है ये क्या करता है भाई, तो ये बेसिकली सेलेक्टेड स्पीशीज में ही करवाया जाता है एक प्रॉपर प्रपोर्शन के लिए, जिसमें कंपोज जिसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, कंपोजिट फार्मिंग कहते हैं। कुछ एडवांटेजेस हैं इसके, जैसे कि जो कंपैटिबल सिंपल बात करते हैं कि जब दो फिशेस एक पर्टिकुलर पॉन्ड में एक साथ रह रही हैं तो ये एक दूसरे के अगेंस्ट काम करती है, मतलब एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज को टॉलरेट नहीं करती है, तो उस कंडीशन में हम ऐसा कोई चेंज कर देते हैं कि जो कंपोजिट फिश कल्चर है जिसमें एक साथ एक से ज़्यादा मेंबर जो हैं वो सर्वाइव कर सकें, और एक से ज़्यादा मेंबर जब सर्वाइव करेंगे तो इन एक से ज़्यादा मेंबर के सर्वाइव करने की वजह से आपका एक ही जगह पे हम कई सारा कल्चर जो है करवा सकते हैं। लेकिन इस तरीके से करवाया जाता है यहाँ पर कल्चर कि जो दो फिशेस हमने एक साथ रखी हुई हैं वो दोनों एक दूसरे के कंपेटिटर या फिर एक दूसरे से कंपटीशन ना रखती हूँ, कि हम अगर तीन लेवल बनाए हैं तो एक बेस पे रहने वाली होगी, एक मिड पार्ट में रहने वाली होगी, और एक होगी आपका जो सिंपल टॉप सरफेस पे फ्लोट करे, तो इनके बीच में आपस में जो है वो कंपटीशन नहीं बनेगा और जो फूड है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, तो आपका एक साथ हम एक टाइम पर एक जगह पे कई सारी फिशेस का कल्चर जो है वो करवा सकते हैं। और यही एक टाइम पर एक साथ कई सारी फिशेस का कल्चर करवाना ही क्या कहलाता है, हमारा कंपोजिट पिसी कल्चर कहलाता है। क्लियर, लास्ट अगर मैं बात करूँ तो इनलैंड फिशरी के बाद हमारे पास प्रेजेंट है कौन सी फिशरीज, मरीन फिशरीज।
मरीन फिशरीज में मैंने आपको बहुत ही बेसिक चीज़ बताई, जिस फिशरी में आप मरीन फिशेस को ट्रैप करने का काम कर रहे हैं, सिर्फ कोई ब्रीडिंग नहीं करवाते हैं, वही कहलाती है मरीन फिशरी। जितनी भी सॉल्टी वाटर में पाई जाने वाली आपकी फिशेस हैं, ये सॉल्टी वाटर में पाई जाने वाली फिशेस या फिर सी वाटर में, या सिंपल मैं कह सकती हूँ ओशंस में मिलने वाली जो फिशेस हैं, वो क्या बनाती है, आपका मरीन पिसिकल्चर बनाती है। क्लियर? कुछ मेहनत नहीं करनी होती, कोई ग्रोइंग नहीं करवानी, कोई डेवलपमेंट नहीं करवाना, सिर्फ सीधे सीधे जितना भी फिशेस आई हैं, मतलब जितनी भी फिशेस हमारे ओशंस में प्रेजेंट हैं, उसको आप अलग अलग मेथड्स के थ्रू, जहाँ पर एक क्वांटिटी ज़्यादा मिलती है वहाँ पर आप आपका जो नेट होता है उसके थ्रू कैप्चर कर लेते हैं, किसको, फिशेस को। सेम चीज़ लास्ट टॉपिक जो हमने किस में पढ़ा था, हमारे पोल्ट्री फार्मिंग में पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि जो हमारे पोल्ट्री फार्म के मेंबर्स होते हैं, जो बर्ड्स होती हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इजीली कोई भी डिजीज़ को जो है वो ऑप्ट कर लेती हैं। सेम चीज़ यहाँ पर भी, फिशेज़ में कई सारे डिजीज़ होती हैं, बैक्टीरियल हो सकती हैं, वायरल हो सकती हैं, प्रोटोजोअल हो सकती हैं, फंगल हो सकती हैं, तो कोई भी डिजीज़ जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती है। क्लियर? तो डिजीज़ को चेक करते हुए भी जब मतलब कोई भी आपका, सिंपल हम कह सकते हैं कि कोई भी आप ट्रांसपोर्टेशन जब किसी फूड का करते हैं, तो उस कंडीशन में हमें ये चीज भी ध्यान में रखनी होती है कि कहीं किसी तरीके की कोई डिजीज हमारे एनिमल को ना हो, क्योंकि कोई डिजीज अगर हमारे एनिमल को होगी तो इट विल इजीली ट्रांसमिट टू द अदर एनिमल्स आल्सो। तो ये पूरा का पूरा पार्ट आपका क्या हुआ, सिंपल एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री में हमने कई सारे पार्ट्स पढ़े, मैनेजमेंट पढ़ा, ब्रीडिंग पढ़ा, फिश ब्रीडिंग भी पिसिकल्चर में भी पढ़ा, फिर उसके बाद हमने एनिमल ब्रीडिंग भी पढ़ी। एनिमल ब्रीडिंग का फ़ायदा क्या है, तो सबसे ज़्यादा अगर हम बोलें तो प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को, क्वांटिटी को इंक्रीज करवाने के लिए ब्रीडिंग हम करवाते हैं। क्लियर? इसके साथ साथ दूसरी चीज़ हमने क्या बोली कि ये जो अलग अलग ब्रीडिंग करवाई जा रही है, इसमें फार्म्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट सेटअप्स होते हैं, लाइक डेयरी फार्म मैनेजमेंट का अलग है, पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट्स का मैनेजमेंट जो है वो अलग है, पिसिकल्चर एक्वा कल्चर भी बोलते हैं, या फिर हमने एपिकल्चर की भी बात करी। और यही जो पूरा पार्ट है, ये पूरा का पूरा सिस्टम हमारे डिफरेंट एनिमल का उसी पर्टिकुलर टाइम पे उन्हीं एनिमल से एक लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट हम एक बार में गेन कर सकते हैं। क्लियर? तो ये पूरा का पूरा पार्ट हमारा एनिमल हस्बेंड्री था। नेक्स्ट क्लास में वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्लांट ब्रीडिंग, क्योंकि प्लांट भी एक डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है ह्यूमन के लिए, और मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द प्लांट एंड प्लांट्स प्रोडक्ट। प्लांट और प्लांट के प्रोडक्ट पे हम डायरेक्टली डिपेंड करते हैं, तो उसमें भी हमने दो चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहली चीज़ तो क्वालिटी के बारे में पढ़ना है, दूसरा क्वांटिटी के बारे में पढ़ना है, मतलब किस तरीके से आप किसी भी पर्टिकुलर प्लांट को ब्रीड, जैसे हम हेडिंग ही पढ़ेंगे प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग मतलब दो अलग अलग मेंबर्स को आपस में दूसरे के साथ हाइब्रिडाइज करवाना, ब्रीड करवाना, सो दैट यू मे गेट द गुड क्वालिटी या गुड वेराइटी प्रोडक्ट, जिसका क्वालिटी भी मेंटेन्ड हो और क्वांटिटी भी मेंटेन हो। क्यों? बिकॉज एज द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, द फूड रिक्वायरमेंट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, एंड टू कंप्लीट या टू मेंटेन द फूड रिक्वायरमेंट, उस फूड रिक्वायरमेंट को मेंटेन करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, एक गुड हेल्थ सोर्स बनाने के लिए हमें क्या करना है, इन सारे के सारे प्रोडक्ट्स को, इस सारी की सारी ब्रीडिंग को, चाहे एनिमल ब्रीडिंग हो चाहे प्लांट ब्रीडिंग हो, एक ड्रास्टिकल इंक्रीमेंट दे रहा है हमारे फूड सिस्टम में, हमारे कंट्री में, हमारे वर्ल्ड में, पूरी तरीके से किस एक्स कुछ डिफरेंट एस्पेक्ट्स के थ्रू या इन्हीं टेक्निक्स के थ्रू हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फूड की क्वालिटी को और क्वांटिटी को मेंटेन करवा पा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस अबाउट द प्लांट ब्रीडिंग।